256 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम देखेंगे। तो आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि वर्गमूल को हम अंडरूट से लिखते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है, अपनी अभाज्य संख्याओं से भाग करना है। तो अभाज्य संख्याएँ कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक ये अभाज्य संख्याएँ। जैसे 2 से भाग करें तो भाग गया 1 बार 2 बार और 8 बार, फिर इसमें 2 का भाग 6 बार 4 बार, फिर इसमें 2 का भाग 3 बार 2 बार, फिर इसमें 2 का भाग 1 बार 6 बार, 16 में 2 का भाग 8 बार, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 में 2 का भाग आपका 1 बार। इसके गुणनखंड आगे हमें क्या चाहिए, इसका वर्गमूल यानी अंडरूट करेंगे। क्या बिल्कुल सिंपल है, 2 समान संख्या का जोड़ा 1 बार यहाँ लिख देंगे, 2 समान संख्या का जोड़ा 1 बार यहाँ, 2 समान संख्या का जोड़ा 1 बार यहाँ, 2 समान संख्या का जोड़ा 1 बार, समझ गए। एक एक बार इनसे हमने ले लिया, गुणा कर दो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, यही इसका आपका आंसर है। ओके, तो इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं।